हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। देखिए, हम लोग सीआरपीसी में सेक्शन 154 से 176 तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके जो वीडियो है हमने बना दिया है, यदि जिस स्टूडेंट ने वो वीडियो न देखी हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ वीडियो आपको मिल जाएगी। आज जो है हम लोग उसी का MCQ सॉल्व करेंगे, 154 से लेकर 176 तक के MCQ को सॉल्व करेंगे कि आखिर कितने क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो MCQ जरूर सॉल्व करिएगा, यहाँ से आपके एक या दो क्वेश्चन जरूर बनेंगे एग्ज़ाम में। जो आने वाला एग्ज़ाम है आपका UPAPO का, उसमें एक से दो क्वेश्चन जरूर बनेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, यदि मान लीजिए कि ऑप्शन में कहीं गड़बड़ी होती है, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कोई आंसर मान लीजिए सही नहीं है, गलत है, तो उसको कोशिश करिएगा आप लोग भी कि उसको सही कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि नहीं, इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि नहीं सर, इसका आंसर ये नहीं, ये है, बट आप श्योर रहिए उसको कि हाँ ये आंसर है, ठीक है, कंफर्म रहिए आपकी यही आंसर है, आपने पढ़ा है कहीं, ठीक। तो इससे क्या होगा, बाकी लोग भी इससे थोड़ा सा जागरूक हो जाएंगे, उनको भी पता चल जाएगा कि इसका आंसर ये है। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो बुक है या कुछ भी है उसमें मिसप्रिंट रहते हैं, तो सभी क्वेश्चन के आंसर इस समय ढूंढ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मैं अपने तरफ से कोशिश करता हूँ कि आपको जितने भी आंसर बताऊँ वो एग्जैक्ट रहें, सही रहें, ठीक है। और आंसर भी कुछ गलत हुए हैं जिसको मैंने सही किया है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है, फिर भी अगर रह जाता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं, ये होगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 154 से 176 तक, तो अच्छा एक चीज़ और रही है कि मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा, कोशिश करूँगा कि चार ऑप्शन आपको न बताना पड़े, तुरंत एग्जैक्ट मैं आंसर बताते हुए आगे निकलता चलूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्वेश्चन भी ज़्यादा है, तो मेरे साथ रहिएगा, साथ साथ चलते रहिए। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ तो निगाह आपकी यहाँ स्क्रीन पर रहनी चाहिए, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित इत्तला पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा CRPC के किस उपबंध के अंतर्गत अभिलिखित की जाती है, तो किस उपबंध के अंतर्गत, 154 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, CRPC के अनुसार संज्ञेय अपराध होने की प्रत्येक संसूचना हस्ताक्षरित की जाएगी, किसके द्वारा, सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, CRPC की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है, किससे संबंधित है, केवल संज्ञेय अपराध से संबंधित होती है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा CRPC की धारा 154 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट सूचना को अभिलिखित करने से इनकार करने से व्यथित है, तो वह ऐसी सूचना का सार लिखित रूप में डाक द्वारा धारा 154 की उपधारा 3 के तहत भेज सकता है, किसको भेजेगा, संबंधित पुलिस अधीक्षक को अर्थात SP को भेजेगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा तेज चलूंगा, साथ में आप लोग चलिएगा, ठीक है। CRPC की धारा 154 के अधीन संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु बाध्य है, यह किस वाद में बताया गया था, तो ये ललिता कुमारी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका केस लॉ है, इसको मैंने आपको बताया है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, एक प्रथम इत्तला सूचना टेलीफोन से भी दर्ज कराई जा सकती है, यह निम्न में से किस वाद में प्रतिपादित की गई थी, तो किस में है, तो यह सुनील वर्सेस राज्य में प्रतिपादित की गई थी, इसको एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, यदि सुनील वर्सेस राज्य है तब तो ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ ये सही है, इन्होंने तपिंदर सिंह वर्सेस राज्य लगाया था, हमें लगा कि ये सही नहीं होगा, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा आप लोग भी, ठीक है, आपकी नज़र में कौन सा ऑप्शन इसमें सही होता है, मुझे कमेंट करके बताइएगा, यदि डी नहीं होगा, सुनील नहीं होंगे, तो इसके अलावा जो होंगे ये भी मुझे बताइएगा, यदि आपने पढ़ा है तो कहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी के अधीन अन्वेषण की नींव निम्न में से किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? प्रथम सूचना रिपोर्ट को कहा जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट तात्विक साक्ष्य नहीं है, इसका प्रयोग विचारण के दौरान निम्नलिखित हेतु किया जा सकता है। किस हेतु? केवल सूचनादाता के साक्ष्य की पुष्टि हेतु, केवल सूचनादाता के साक्ष्य के खंडन हेतु। तो किस लिए किया जा सकता है? दोनों के लिए किया जा सकता है। पुष्टि मतलब 157 के लिए, खंडन मतलब 145। ये एविडेंस की बात हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये एविडेंस की है। 147 145 खंडन के लिए, 157 संपुष्टि के लिए, ठीक है, एविडेंस की बात हो रही है, तो दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सही क्या है ये बताना है। पहला है, प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराधकारित होने की सूचना मात्र है, ठीक है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने आप में एक सारभूत साक्ष्य है, तो क्या होगा? इसमें एक सही है और दूसरा गलत है, ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है, पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2002 में पारित संशोधन कानून के द्वारा भारतीय साक्ष्य कानून के निम्नलिखित प्रावधानों में से किस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था? तो किसको समाप्त कर दिया गया था? सेक्शन 155 सब क्लास 4 को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीआरपीसी के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को अपराध में जांच करने के लिए पुलिस को निर्देशित करने की शक्ति है, किस सेक्शन के अंतर्गत? सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत, ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही होगा। क्यों है निर्देशित करने की शक्ति, इसके बारे में मैं बता चुका हूं, ठीक है। सीआरपीसी की धारा 156 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत अनुसंधान करने का निर्देश, अनुसंधान मतलब अन्वेषण, इन्वेस्टिगेशन करने का निर्देश देने की शक्ति है, किसको शक्ति है? एक मजिस्ट्रेट को होती है, ठीक, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, जब कोई परिवाद मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाता है और मजिस्ट्रेट उस परिवाद को आगे बढ़ाते हुए परिवादी और गवाहों की परीक्षा प्रारंभ कर देता है, तब मजिस्ट्रेट का कार्य निम्न में से कौन सा है? इसमें कौन सा कार्य होगा? परीक्षा, पूछताछ का होगा, ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सीआरपीसी की धारा 156 सब क्लॉज 3 तथा धारा 202 के अधीन पुलिस अन्वेषण के लिए दिए गए आदेश के बीच विभेद को सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में स्पष्ट किया है? तो इसमें देखिए ऑप्शन ए बताया गया है, देवरापल्ली लक्ष्मी नारायण रेड्डी वर्सेस वी नारायण रेड्डी, ठीक है, ये ऑप्शन ए सही है, इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 156 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है? तो चलिए देखते हैं, वह केंद्रीय जांच ब्यूरो को किसी भी अपराध के संबंध में अनुसंधान करने का निर्देश दे सकता है, ठीक है, वह ऐसा करने के लिए कोई कारण अभिलिखित किए बिना किसी भी अपराध का निर्देश दे सकता है, वह ऐसा करने के लिए कोई कारण अभिलिखित करने के बाद ही किसी भी अपराध के संबंध में थाने के भारसाधक अधिकारी को अनुसंधान करने का निर्देश दे सकता है, वह अनुसंधान आदेशित करने से पहले अभियुक्त को सूचना दे सकता है और सुनवाई का अवसर दे सकता है। तो कौन सा सही है बताना है इसमें 156 दिन में? तो वो ऑप्शन बी होगा, वह ऐसा करने के लिए कोई कारण अभिलिखित किए बिना किसी भी अपराध का निर्देश दे सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दंडाधिकारी धारा 159 के अंतर्गत 159 के अंतर्गत पुलिस को निर्देशित कर सकता है, किस चीज के लिए? अन्वेषण करने के लिए, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। असंगे मामलों में अनुसंधान प्रारंभ होता है, अन्वेषण प्रारंभ होता है कब? संबंधित मजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त करने के पश्चात शुरू होता है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा, क्योंकि बिना मजिस्ट्रेट के आदेश से असंगे में अन्वेषण नहीं किया जा सकता है, और जबकि संगे अपराध में मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाद त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित है? तो कौन सा है? जाहिरा हबीबुल्ला शेख वर्सेस गुजरात राज्य का मामला, ऑप्शन बी। सीआरपीसी के किस प्रावधान के अंतर्गत पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित मजिस्ट्रेट को उसकी प्रतिलिपि भेजेगा? तो किसमें है? सेक्शन 157 में बताया गया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की धारा 160 में एक स्त्री को भी जिसे किसी अपराध के बारे में जानकारी है उसके निवास के अतिरिक्त अन्य स्थान पर बुलाकर परीक्षा की जा सकती है यदि मजिस्ट्रेट से इस संदर्भ में पूर्वाज्ञा ले ली हो तथा ऐसा किया जाना न्याय के हित में आवश्यक हो। यह कहा गया था किस केस में? कमलानाथा नाथ वर्ष तमिलनाडु राज्य में ऐसा बात कहा गया था, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक अनुसंधान करने वाले पुलिस अधिकारी की शक्ति है कि वह मामले के तथ्यों व परिस्थितियों से परिचित व्यक्ति की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है, तो किस सेक्शन के अंतर्गत? सेक्शन 160 के अंतर्गत, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की किस धारा में यह प्रावधान है कि एक 15 वर्ष से कम आयु के बालक को पुलिस थाने में नहीं बुलाया जा सकता? तो किसमें है? सेक्शन 160 में सब क्लॉज 1 में बताया गया, ठीक है, हमने बताया था आपको, ठीक है, 160 सब क्लॉज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 160 में एक व्यक्ति को साक्षी के रूप में किसके द्वारा बुलाया जा सकता है? तो किसके द्वारा? उस पुलिस अधिकारी द्वारा जो उस मामले का अन्वेषण कर रहा है उसी के द्वारा बुलाया जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट, सीआरपीसी की किस धारा में अन्वेषण अधिकारी गवाह के कथन का अभिलेख करता है? तो किसमें करेगा? सेक्शन 161 में करता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पुलिस द्वारा सीआरपीसी की धारा 161 के अंतर्गत कथन अभिलिखित किए जाते हैं कब? अन्वेषण के दौरान किए जाते हैं, ऑप्शन सी। सीआरपीसी की धारा 161 के अंतर्गत साक्षी को पूछे प्रश्नों का उत्तर देने से मना करना निम्न में से किसके अंतर्गत अपराध होगा? तो ये 179 आईपीसी के अंतर्गत अपराध होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मामले में यह निर्णित किया गया है कि सीआरपीसी की धारा 161 सब क्लास 2 के अधीन एक व्यक्ति संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार रखता है? उन प्रश्नों को जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप की आशंका में डालने की है, तो ये किस में बात की गई है? तो ये नंदिनी सतपति वर्सेस पीएल दानी में बात की गई है, ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी की धारा 354, 354 ए या 354 बी के अपराध की विवेचना के दौरान पीड़ित महिला का पुलिस कथन रिकॉर्ड करने वाले के लिए आवश्यक है कि वह कम से कम एक क्या हो? महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, सीआरपीसी की धारा 161 के अंतर्गत अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किए गए अभियुक्त के कथन को परीक्षण के दौरान उपयोग में लाया जा सकता है, कब लाया जाएगा? साक्षी का विरोध करने के लिए, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, ये विरोध करने के लिए लाया जा सकता है, ऑप्शन ए। किस सेक्शन के अंतर्गत? सेक्शन 145 के अंतर्गत, खंडन करने के लिए एविडेंस का, 145, ठीक है, संपुष्टि नहीं है यहाँ, संपुष्टि 157 के अंतर्गत नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या विवेचना अधिकारी उसके समक्ष सीआरपीसी की धारा 161 के अधीन परीक्षण के क्रम में किए गए कथनों को लेखबद्ध करने के लिए बाध्य है? तो नहीं, ठीक है, ऑप्शन बी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रथम सूचना रिपोर्ट का आवश्यक तत्व नहीं है? एक पुलिस कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? एक पुलिस अफसर को दी जाने वाली सूचना है, ठीक है, वह सूचना संज्ञेय अपराध से संबंधित होनी चाहिए, सही है, यह सूचना घटना के पश्चात दी जाने वाली सबसे पहली सूचना है, ये भी सही, सूचना किसी अपराध से संबंधित हो सकती है चाहे वह संज्ञेय या असंज्ञेय, तो यह ऑप्शन डी आपका गलत है। नेक्स्ट है,
अन्वेषण अधिकारी द्वारा साक्षी के परीक्षण में विलंब अपने आप में अभियोजन के वृत्तांत को संदेहास्पद नहीं बनाता है। अन्वेषण अधिकारी से विलंबक से परीक्षण के बारे में प्रश्न किया जाना चाहिए। यह किस वाद में बताया गया? यह उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सतीश के मामले में बताया गया है, ऑप्शन ए। ठीक है, एक बार जो केस लॉ मैं बता रहा हूँ एक बार आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ आप लोग का स्रोत है, जहाँ से आप पढ़ते हैं, एक बार मिला लीजिएगा, जरूर मिलाइएगा। ठीक है, कुछ काम आप लोग भी कर लीजिए। ठीक है, यदि आपको लगता है कि यहाँ से जो मैं बता रहा हूँ ये गलत है, ऑप्शन जो है, तो एक अगर गलत लगता है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर ये नहीं ये है। मगर कुछ लोग मिला लेंगे, ठीक है, अलग अलग जगह से, एक ही जगह से नहीं, अलग अलग, जैसे किसी के पास घटना चक्र है या मंथन है या कुछ हो, क्योंकि ऑप्शन ये हो सकता है ना कि गलत हो, कभी कभी प्रिंट गलत आ जाता है, ऑप्शन गलत दे देते हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक बार मिलान कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभियुक्त को जमानत का अजेय अधिकार प्राप्त हो जाता है जब अन्वेषण नहीं पूरा होता, कब? 90 या 60 दिन के अंदर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अन्वेषण के दौरान की गई संस्वीकृति या कथन को कौन अभिलिखित कर सकता है? तो कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकता है, ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट, सीआरपीसी की निम्न धाराओं में से किस धारा के अधीन यह उपबंध किया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी के अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया गया है तो कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा? कहाँ है? सेक्शन 162 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सीआरपीसी की धारा 164 के अनुसार संस्वीकृति कौन लेखबद्ध कर सकता है? तो कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट लेखबद्ध कर सकता है, ठीक है, ऑप्शन डी। सेक्शन 164 सीआरपीसी में सीआरपीसी में जो है कि अन्वेषण के दौरान दी गई संस्वीकृति एवं कोई कथन अभिलिखित करने की विशिष्ट प्रक्रिया वर्णित है, सही है, तो ये ऑप्शन सी में बताया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों चीज़ें बताई गई हैं, सिर्फ संस्वीकृति ही नहीं बताया गया है बल्कि संस्वीकृति और कथन दोनों बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। संस्वीकृति लेखबद्ध की जाती है किसके द्वारा? किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट चाहे अधिकारता हो या नहीं के द्वारा, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा। यदि कोई मजिस्ट्रेट अभियुक्त को संस्वीकृति लिखने के पूर्व शपथ दिलाता है तो ऐसा संस्वीकृति युक्त कथन क्या होगा? अविधिक होकर साक्ष्य में अग्राह्य होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सीआरपीसी की धारा 164 के अधीन संस्वीकृति के कथन को अभिलिखित करने के लिए प्राधिकृत नहीं है? तो कौन नहीं है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट। मैंने बताया था कि 164 के अधीन कौन लिखता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट लिखता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर नहीं दी गई है, ठीक है, तो ऑप्शन डी ये नहीं है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीसी की धारा 164 निम्नलिखित में से किस विशेष सब में प्रावधानित करती है संस्वीकृति एवं कथन का दर्ज किया जाना? ऑप्शन ए। सीआरपीसी की धारा 164 के अधीन कथन दर्ज किया जा सकता है किसके द्वारा? एक न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा, ठीक है, ऑप्शन सी। फौजदारी प्रक्रिया संहिता की धारा 164 ए के अधीन बलात्कार की किसी भी पीड़िता को ऐसे अपराध की घटना की सूचना प्राप्त होने के कितने घंटे के अंदर परीक्षण के लिए किसी पंजीकृत स्वास्थ्य चिकित्सक के पास भेजना होगा? तो कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर स्वास्थ्य चिकित्सक के पास भेजना होगा जिसका रेप हुआ है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज करने के लिए व्यक्ति को पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धारा 164 सीआरपीसी की प्रक्रिया के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? तो क्या नहीं है? अभियुक्त को चेतावनी देना, संस्वीकृति स्वैच्छिक की जानी चाहिए, अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति में अभिलेखन, संस्वीकृति के अंत में ज्ञापन दिया जाना, और फिर है उपरोक्त सभी। तो ये जो उपरोक्त सभी है यही नहीं है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, ये ई ही सही होगा,
ये ऑप्शन ई सही होगा, जो कह रहे हैं उपरोक्त सभी नहीं है, ये गलत है। ये ऊपर के ए बी सी डी ये सभी होने चाहिए 164 के अंतर्गत, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 164 के अधीन संस्वीकृति अभिलेखन करते समय निम्नलिखित में से कौन सा मजिस्ट्रेट का कर्तव्य नहीं है? तो देखिए, संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति को यह स्पष्ट करने का कर्तव्य है कि वह संस्वीकृति करने के लिए बाध्य नहीं है। यह चेतावनी देने का कर्तव्य कि यदि वह संस्वीकृति करता है तो संस्वीकृति उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रयुक्त की जा सकती है। संस्वीकृति वाले कथन को प्रश्नों एवं उत्तरों के प्रारूप में अभिलेखन करने का कर्तव्य है। फिर नेक्स्ट है, इससे संतुष्ट होने का कर्तव्य तथा यह विश्वास करने का कारण कि संस्वीकृति स्वैच्छिक है, तो क्या होगा इसमें? इसमें आपका सी जो है ये नहीं होगा कि संस्वीकृति वाले कथन को प्रश्नों एवं उत्तरों के प्रारूप में अभिलेखन करने का कर्तव्य है, ये कर्तव्य नहीं है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट संस्वीकृति अभिलिखित कर सकता है, कब? अन्वेषण के दौरान, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, सीआरपीसी की धारा 164 के तहत संस्वीकृति मजिस्ट्रेट अभिलिखित कर सकता है, कब? विचारण के दौरान, अनुसंधान के दौरान, विचारण या अनुसंधान के दौरान, अनुसंधान के क्रम में, परंतु जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व, ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कथनकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना जरूरी नहीं है? तो किसमें? ऑप्शन आपका सी, सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दिया गया जो बयान है, जो कथन है, वहाँ जो अभिलिखित करता है पुलिस अधिकारी अपने डायरी पे, उस पर आपको साइन करना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के कथनों को मजिस्ट्रेट के द्वारा उसे शपथ दिलाकर अन्वेषण की दशा में भी अभिलिखित किया जा सकता है, ऐसा सीआरपीसी की किस धारा में किया जा सकता है? तो धारा 164 क्लॉज 5 में कहा गया, ये कथन के बारे में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सीआरपीसी अधिनियम 2013 द्वारा कौन सा प्रावधान सीआरपीसी में नहीं जोड़ा गया है? तो कौन सा नहीं जोड़ा गया है? 357 सी जोड़ा गया है, 198 बी जोड़ा गया, 357 बी जोड़ा गया है, और 166 ए ये नहीं जोड़ा गया है, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सीआरपीसी की धारा 166 ए के अंतर्गत जब तलाशी भारत से बाहर होती है तो फौजदारी न्यायालय जारी कर सकता है, क्या जारी करता है? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, प्रार्थना पत्र, ऑप्शन बी। सीआरपीसी की धारा 167 के लिए सबसे आवश्यक तथ्य है कि गिरफ्तार व्यक्ति को क्या करना चाहिए? प्रथम बार व्यक्तिगत प्रस्तुत किया जाना, तत्पश्चात मजिस्ट्रेट की इच्छा अनुसार इलेक्ट्रॉनिक वीडियो कवरेज के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट है, जब किसी व्यक्ति या महिला जो पुलिस अभिरक्षा में हो की मृत्यु हो जाए, या वह गुम हो जाए, या उस महिला के साथ बलात्कार हुआ हो, तब पुलिस द्वारा की गई जांच के अतिरिक्त जांच की जाएगी, किसके द्वारा? न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके क्षेत्राधिकार में अपराध हुआ है, ऑप्शन आपका बी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में अंतर्विष्ट होना आवश्यक है क्या? मृत्यु का प्रकट कारण होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। पुलिस अभिरक्षा अधिकृत करने के लिए अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, कैसे? सौ शरीर, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, सीआरपीसी की धारा 167 के अधीन एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितनी अवधि तक के रिमांड का आदेश दे सकता है? तो 7 दिन तक, ठीक है, ध्यान रहे कार्यपालक मजिस्ट्रेट कितना देगा? 7 दिन तक, ऑप्शन आपका सी सही होगा। सीआरपीसी की धारा 167 के अनुसार एक अभियुक्त व्यक्ति को पुलिस सुरक्षा में सुपुर्द किया जा सकता है, परंतु एक समय पर 15 दिन से अधिक नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, न्यायिक अभिरक्षा से किसी अभियुक्त व्यक्ति को 15 दिन तक की पुलिस अभिरक्षा में भी सौंपा जा सकता है, सीआरपीसी के निम्न में से किस धारा के अधीन यह संभव है? तो ये 167 धारा 167 में संभव है, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट,
सीआरपीसी की धारा 167 के अंतर्गत एक गिरफ्तार व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा की अधिकतम अवधि कितनी है? 15 दिन तक। ऑप्शन सी। क्या न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गए व्यक्ति का पुलिस रिमांड संभव है? हाँ संभव है। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की धारा 167 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अन्वेषण की अवधि में कुल मिलाकर 90 दिनों के लिए निरोध प्राधिकृत कर सकता है, जबकि अपराध दंडनीय हो। किससे? मृत्युदंड से, आजीवन कारावास से, 10 वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास से, अर्थात उपयुक्त में से सभी से। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट है कि कथन है, और सीआरपीसी की धारा 167 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत स्वीकृत जमानत की वही प्रसंगति रहेगी जो इस संहिता के अध्याय 33 के अंतर्गत जमानत स्वीकृत करने पर होती है। ठीक है, दूसरा कथन है ब, सीआरपीसी की धारा 167 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत स्वीकृत जमानत इस संहिता की धारा 437 सब क्लॉज 5 के अंतर्गत निरस्त नहीं की जा सकती। तो क्या होगा इसमें से? ऑप्शन ए सही होगा, कथन असही होगा। ठीक है, तो पहला वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अन्वेषक अधिकारी के द्वारा केस डायरी का रखना किस धारा के अंतर्गत अनिवार्य है? तो किसमें है? 172 के अंतर्गत। ऑप्शन सी सही है। सीआरपीसी की कौन सी धारा केस डायरी से संबंधित है? तो ये 172 है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान में पुलिस डायरी रखना आवश्यक है, सेक्शन 172 में। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सीआरपीसी की धारा 172 में पुलिस डायरी का उपयोग निम्न में से किस बात हेतु किया जा सकता है? तो यह जांच या विचारण में न्यायालय की सहायता के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीसी की धारा 172 की आवश्यकता है कि धारा 161 के अधीन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्षियों के कथन अंतः स्थापित किए जाएंगे। किसमें? केस डायरी में। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, धारा 173 एक ए आज्ञापित करती है कि किसी बालिका के बलात्संग के मामले में अनुसंधान निम्नलिखित सूचना के दिनांक से कितने दिन के अंदर? तो 60 दिनों के अंदर पूर्ण किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रहे पहले ये 3 महीना था, अब ये 2 महीना हो गया। कब से? 2018 से अमेंडमेंट करके अब 2 माह कर दिया गया। ठीक है, नई जो बेरेट होगी आपकी उसमें लिखा होगा, देख लीजिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी के निम्नलिखित उपबंधों में से किसमें यह प्रावधान किया गया है कि बालिका के साथ बलात्संग के संबंध में अन्वेषण उस तिथि से जिस तिथि को पुलिस थाने में इत्तला अभिलिखित की गई थी 2 माह के भीतर पूरा किया जाए? कहाँ लिखा गया? तो 173 सब क्लॉज 1 कैपिटल ए में लिखा गया है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क को उत्तर प्रदेश में घायल किया गया था और उन घाव के कारण उसकी भोपाल में मृत्यु हो जाती है। क की मृत्यु कारित करने के अपराध की जांच और विचारण किया जा सकता है, कहां पर? उत्तर प्रदेश में या भोपाल में? ऑप्शन आपका सी। देखिए इसी क्वेश्चन के संबंध में हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, ये पहले ही क्वेश्चन दे दिया गया है, 1-2 क्वेश्चन होंगे। और हरिद्वार से वाराणसी तक जाने वाले रेलगाड़ी में लूट कारित करता है, उसकी जांच अथवा विचारण किया जा सकता है, कहां? किसी भी न्यायालय में जहां से होकर रेलगाड़ी गुजरती है, ऑप्शन आपका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत 5 अभियुक्तों क ख ग घ च के विरुद्ध चार्जशीट प्रस्तुत की गई, क और ख फरार हैं एवं ग स्वीय उपसंजाति से न्यायालय के आदेश द्वारा उन्मुक्त हैं एवं घ एवं च न्यायालय में उपस्थित हैं, वह प्रकरण निम्नलिखित के विरुद्ध सुपुर्द किया जा सकता है? किसके विरुद्ध? सभी अभियुक्त के विरुद्ध। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही होगा। क्या विधि के अंतर्गत एक ही घटना से संबंधित 2 प्रथम सूचना प्रतिवेदनों पर आधारित अनुसंधान अनुयोज्य है? तो पूर्व अवसर पर धारा 173 सब क्लॉज 3 के अंतर्गत प्रतिवेदन अग्रसित करने के बाद नहीं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी रहेगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुसंधान अधिकारी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के 24 घंटों के अंदर निकटतम न्यायिक अधिकारी के पास अभियुक्त सहित उस मामले से संबंधित प्रविष्टियों की एक प्रति भेज देगा
यदि अनुसंधान 24 घंटों में पूर्ण नहीं होता है। ऑप्शन आपका बी सही। जब अभियुक्त अभिरक्षा में हो और अन्वेषण निर्धारित अवधि यथास्थिति 90 दिन या 60 दिन में पूरा हो ना पाया हो और इस अवधि की समाप्ति पर अभियुक्त जमानत देने को तैयार हो और दे देता है तो वह अधिकारी क्या करेगा? संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर छोड़े जाने का आदेश देगा। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही होगा। नेक्स्ट, यदि 24 घंटे में अन्वेषण पूरा नहीं हो सकता हो तब वह अधिकतम अवधि जिस दौरान अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में रखा जाएगा वह 15 दिन से अधिक नहीं होगी। ठीक है, ऑप्शन बी। किसी प्रकरण में अतिरिक्त चालान प्रस्तुत करना अतिरिक्त अनुसंधान पर साक्ष्य मिलने पर वर्जित नहीं है। ऑप्शन आपका डी सही होगा। दंड प्रक्रिया संहिता पुलिस रिपोर्ट का अर्थ है पुलिस अधिकारी द्वारा 173 सब+2 CRPC के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट। ऑप्शन आपका सी सही होगा। नेक्स्ट है, CRPC की कौन सी धारा लागू होगी जब पुलिस थाने के भारसदक अधिकारी को यह इत्तला मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली? ऑप्शन ए 174, धारा 174, ऑप्शन ए सही होगा। CRPC की कौन सी धारा लागू होगी जब पुलिस थाने में भारसदक अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है तो वह तुरंत कार्यपालक मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजेगा। सेक्शन 174 में बताया गया। ऑप्शन सी, CRPC की किस धारा के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को यह शक्ति प्राप्त है कि वह मृत्यु के कारण के बारे में पूछताछ कर सके? तो कहाँ है? सेक्शन 176, ऑप्शन ए सही होगा। एंड लास्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपधाराओं को फौजदारी प्रक्रिया संहिता नियम 2005 द्वारा फौजदारी प्रक्रिया संहिता की धारा 176 में शामिल किया गया था? तो कौन सा है? 176 सब+1 A तथा 176 सब+5, ये दोनों धाराएं हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने सेक्शन 154 से लेकर 176 तक पूरे MCQ को कवर किया है। यदि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है शिवेंद्र लॉ अकेडमी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।